हरियाणा रोडवे के कर्मचारियों की हड़ताल को शुरू हुए आज एक पखवाड़ा पूरा हो गया है। मंगलवार को सभी कर्मचारी संगठन रोडवेज कर्मचारियों के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सिरसा दौरे की पूर्व संध्या पर कर्मचारी संगठनों ने टाउन पार्क में जोरदार प्रदर्शन किया। महिला कर्मचारियों ने थालियां बजाकर सांकेतिक रूप से सरकार को नींद से जगाने का प्रयास किया। कर्मचारी नेता सुरजीत अरोड़ा ने कहा कि 720 निजी बसों को रोडवेज के बेड़े में शामिल करने के प्रयास को सफल नहीं होने दिया जाएगा। आइए कर्मचारियों के प्रदर्शन की कुछ झलकियां देखते हैं, उसके बाद कर्मचारी नेता सुरजीत अरोड़ा की बाइट सुनेंगे। हमारी हरियाणा रोडवेज की हड़ताल है, लगातार 16 तारीख से चल रही है और हरियाणा सरकार बिल्कुल हमारे साथ नजायज कर रही है। हरियाणा रोडवेज की 700 हरियाणा रोडवेज बेड़े के अंदर जो 720 बसें ये हेयर करने जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। हमने सरकार को कई बार चेताया है कि जब जनता की मांग नहीं, रोडवेज कर्मचारियों की मांग नहीं, नौजवान साथियों की मांग नहीं, तो सरकार ये रोडवेज के बेड़े को अपने पूंजीपतियों के हाथों में सौंपना चाहती है, जो कि हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों के साथ साथ हरियाणा प्रदेश के सभी संगठन, सरकारी व गैर सरकारी सभी संगठन इस हड़ताल के खिलाफ रोडवेज के कर्मचारियों के साथ आंदोलन में कूद चुके हैं। तो मैं हरियाणा सरकार से फिर अपील करता हूँ कि हरियाणा रोडवेज, हरियाणा सरकार हरियाणा रोडवेज के तालमेल कमेटी को बुलाकर इस चीज़ का समाधान किया जाए। आगे रणनीति इनकी 2 दिन की हड़ताल है, आगे हमारी जो तालमेल कमेटी आदेश करेगी वो हमें मान्य होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।